हेलो माय फैमिली, वेलकम बैक अगेन माय न्यू वीडियो। ये वीडियो में कुछ सेल्फ अपना एक्सपीरियंस जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, कि हमेशा एग्रेसिव होना सही नहीं है। कि हम किसी चीज़ के लिए फोकस्ड हैं और उसके लिए इतना ज़्यादा फोकस्ड है कि हम दूसरी चीज़ को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये चीज़ें विशेष ध्यान रखनी है आप सबको। जो मैं छोटा छोटा लाइफ से एक्सपीरियंस लेता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ और आपको बताऊँ कि हाँ, अगर आपकी लाइफ भी थोड़ा बहुत मेरे से मिलती जुलती है, तो हम किस प्रकार से हम खुद को एग्रेसिव ना करें हर चीज़ के लिए। हम एक्टिव और पैसिव दोनों मोमेंट, या लाइक पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी होती है, लेकिन किसी को भी हाई ना करें, इन्हें बैलेंस लेके चलें। तो मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि हम क्या करते हैं, एग्रेसिव रहते हैं तो हम क्या करते हैं कि उस चीज़ के लिए ज़्यादा माइंड को ज़्यादा माइंड सेट उस चीज़ पे कर देते हैं। अगर बाय द वे बेसिकली यहाँ पे मैं पावर लिफ्टिंग की बात करता हूँ, तो हमें क्या चाहिए रहता है कि मुझे 200 मारना है, 250 मारना है, 300 मारना है, 350 किलो जाना है एक ही महीने मंथ में मुझे। तो लाइक लिटिल बिट क्वाइट चैलेंजिंग, एंड अपनी सेल्फ को इतने ज़्यादा फोर्स कर देते हैं कि हमें चाहिए चाहिए। बट भले हम हमारी बॉडी उस हैबिचुअल कंडीशन में नहीं गई अभी कि हम उतना चाहिए, बट हमने माइंड सेट बना लिया कि हमें चाहिए। तो कभी इतना एग्रेसिव भी होना सही नहीं है। पहले अपने फ्लो को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ को जानिए, देन आप उस चीज़ पर वर्क करोगे तो 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो आज से अगेन मैं ऑफ सीजन मेरा बंद हो चुका है। लाइक अपने कोच से बात करूंगा, उन्हें बोलूंगा कि अब मुझे अगेन स्टार्ट करनी है पावर लिफ्टिंग। और लाइक पावर लिफ्टिंग, यार पावर लिफ्टिंग का मीन्स बेसिक लोग क्या समझते हैं, SBD करना बस पावर लिफ्टिंग हो गया। नहीं, इसमें आप अच्छी खासी फिजिक भी गेन कर सकते हो, जो कि आपको मैं बहुत टाइम बाद बताऊँगा कि हाँ, फिजिक भी बहुत अच्छी खासी पावर लिफ्टिंग में फिजिक भी अचीव की जा सकती है। तो बेसिकली मैं अभी ना सोशल मीडिया से थोड़ा कट आउट हो रखा हूँ। लाइक मैं इंस्टाग्राम से थोड़ा कटूँ, बिकॉज कभी कभी कुछ चीज़ें आपको इतना भटका देती हैं कि आप समझ नहीं पाते हो। आपको लगता है कि हाँ, ये तो मेरे लाइफ का सीन है, मुझे भी यही करना है। बट खुद को समझने के लिए कोशिश कीजिए आप लोग भी, कि आप क्या हैं, क्या करना है, क्या बनना है आपको। कि हर किसी को फॉलो मत करते रहिए। तो इंस्टाग्राम ही तो मेरा थोड़ा टाइम जा रहा था उस चीज़ में, तो मैंने थोड़ा कट आउट करके सोशल मीडिया से थोड़ा मैं कटूँ, ऑलरेडी कटूँ, बट मेरा यूट्यूब अकाउंट एक्टिव है और ऑलवेज आप लोगों के साथ में एक्टिव रहेगा जब तक कि मैं वर्क कर रहा हूँ उस चीज़ों पे। और आई होप कि मैं वर्क करता रहूँगा लाइफ टाइम। और ये थी बात यहाँ पे, और कुछ सरप्राइज है आप लोगों के लिए। और जिस चीज़ पे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, उस चीज़ को पाने के लिए मैंने बहुत कुछ मेहनत की है, और बहुत लोगों ने मेरी हेल्प की है। उन लोगों का मैं अभी से शुक्रिया अदा करता हूँ, बिकॉज वो लोग नहीं होते जिन्होंने मेरी हेल्प की तो मैं आज यहाँ पे खड़ा नहीं होता। तो मिलता हूँ मैं आपको दूसरी वीडियो में, बताऊँगा क्या चीज़ है वो। अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और थिंक योर माइंड कि क्या चीज़ हो सकती है जो आपको आज ही दिखाने वाला हूँ मैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो।